गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा लास्ट क्लास से आगे हम लोग आज क्लास को कंटिन्यू करेंगे, तो जो हमारा एक्सरसाइज होगा वो 10E होगा। बट एक्सरसाइज पर आने से पहले एक्सरसाइज पर बेटा आने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हमको जान लेना आवश्यक है। लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। क्या फ्रैक्शन आप लोग पढ़ ही रहे हैं, तो फ्रैक्शन अभी आप लोगों ने फिगर के माध्यम से देखा और फिर वैसे भी उसको सम करना देखा, लाइक में देखा कि जिसका डिनोमिनेटर सेम है उसको ऊपर न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हम लाइक एंड अनलाइक में डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे चैप्टर को एक्सरसाइज पर आते हैं, ठीक है। तो आपका एक फ्रैक्शन है, आपका ये लाइक फ्रैक्शन, और ये आपका है अनलाइक फ्रैक्शन। ये आपका क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। ये अनलाइक फ्रैक्शन है और ये आपका लाइक फ्रैक्शन है। तो पहले हम बेटा डिफरेंस समझेंगे कि ये लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन होता क्या है, फिर डिफरेंस जानने के बाद हम उसको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे। तो पहले डिफरेंस देखिए, जो लाइक फ्रैक्शन होता है बेटा, लाइक फ्रैक्शन जो है ऐसे फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम हो उनको हम लोग क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। तो ए आपका हो गया 2/3, ए आपका हो गया 5/3, ए आपका 11/3, अगर ऐसे फ्रैक्शन है तो यहाँ देखिए तो सबके सब डिनोमिनेटर क्या है? इक्वल हैं। अब जब सबके सब डिनोमिनेटर इक्वल हैं तो फ्रैक्शन क्या हो गया? लाइक। तो लाइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या है बेटा, यह मैटर नहीं करता। लाइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या है यह मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि उसका डिनोमिनेटर मीन्स नीचे वाला पार्ट इक्वल होना चाहिए। वो हो सकता है मिक्स्ड फ्रैक्शन के भी फॉर्म में हो, ऐसे भी हो सकता है। तो ऐसा फ्रैक्शन भी आपका लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर बेटा जो है नीचे वाला देखिए तो सबका क्या है? इक्वल है। तो ये फ्रैक्शन क्या बोले जाएंगे? लाइक फ्रैक्शन, राइट। तो ऐसे फ्रैक्शन जिनमें डिनोमिनेटर इक्वल हो वे क्या बोले जाते हैं? लाइक फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट में हम आते हैं अनलाइक फ्रैक्शन में। कहाँ आते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन में। तो अनलाइक फ्रैक्शन बेटा ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर्स इक्वल ना हो। न्यूमरेटर क्या है उससे हमें मतलब नहीं है, बट डिनोमिनेटर इक्वल ना हो तो ये क्या हो जाएंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। यहाँ पे दिखा देते हैं इक्वल डिनोमिनेटर, यहाँ पे हम नोट कर दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा इक्वल डिनोमिनेटर, राइट। यहाँ पे क्या हो गया आपका? इक्वल डिनोमिनेटर। और यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका अनलाइक फ्रैक्शन में आ गए जब हम लोग। तो अनलाइक फ्रैक्शन में हमने क्या कहा कि 2/5 है, 3/4 है, 7/9 है, ऐसे। तो यहाँ पे देखिए तो इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। और जब ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर्स इक्वल ना हो तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे 5/9, ये आपका हो गया 1/7, ये आपका हो गया 3/10, ये आपका हो गया 4/13, ऐसे। तो ये सब क्या है? हमारे अनलाइक फ्रैक्शन है। तो इनको हम लोग क्या कहेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। इनमें क्या होगा? अनइक्वल डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर्स क्या हैं? अनइक्वल हैं। अनइक्वल डिनोमिनेटर्स, अनइक्वल डिनोमिनेटर्स। और यहाँ पे क्या है? इक्वल डिनोमिनेटर्स है। यहाँ पर आपका इक्वल डिनोमिनेटर्स है, जबकि वहाँ पे आपका क्या है? अनइक्वल डिनोमिनेटर है, राइट। तो ये आपका लाइक फ्रैक्शन हो, वो आपका अनलाइक फ्रैक्शन हुआ। अब हम आते हैं कि देखते हैं कैसे है इनको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब हम आते हैं बेटा, जो हमारा नेक्स्ट है वह क्या है? एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस।
अब हम लोग देखेंगे कि लाइक फ्रैक्शंस को कैसे हम लोग ऐड करते हैं। हालांकि ये एक्सरसाइज आपका पहले था, उसको हमने करा भी दिया, बट एक बार यहाँ हम फिर से इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो देखिए, जैसे लाइक फ्रैक्शन में क्या है, पहले लाइक फ्रैक्शन दिखना चाहिए, क्या है, 2/3 है, 1/2/3 है एंड 7/3 है, ऐसे 3 फ्रैक्शंस लिखे गए हैं। तो हम देख रहे हैं सबके डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब है क्या है, लाइक है। जब सबके डिनोमिनेटर सेम है तो इसका मतलब है क्या है, लाइक फ्रैक्शन से। और जब लाइक फ्रैक्शन से हो गया 2/3 और ये हो गया प्लस आपका 1/2/3 है, 1/2/3, तो ये जो 1/2/3 था बेटा, इसको हम क्या करेंगे, देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन है, कैसा है, मिक्स्ड है। तो मिक्स्ड को पहले हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। इसको हम साइड में कन्वर्ट करके दिखाते हैं, 1/2/3 है तो ये हो जाएगा बेटा 1 × 3 + 2/3, तो ये हो जाएगा 3 + 2/3, तो ये आपका हो जाएगा 5/3, क्या हो जाएगा आपका 5/3। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड को कैसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया जाता है हम पहले भी बता चुके हैं, अब एक बार फिर से वहाँ पर हमने करके आपको दिखा दिया। तो अब ये भी आपका क्या हो गया, 5/3 हो गया। अब ये आपका क्या है, प्लस 7/3। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा कि हमारे 3 फ्रैक्शंस हैं, और जो ये जो 3 फ्रैक्शंस हैं, 3 के 3 के डिनोमिनेटर्स क्या हैं, इक्वल हैं। और जब डिनोमिनेटर 3 के इक्वल हैं, तीनों को सम करना है, तो क्या करते हैं, तो हम सबके न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेंगे और सबके अपान क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर। तो सबके न्यूमरेटर को ऐसी कंडीशन में, ये केवल लाइक में होगा बेटा, एक केवल लाइक में, जहाँ डिनोमिनेटर इससे इक्वल हो वहाँ पे सबके न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे और सबके अपान एक डिनोमिनेटर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 × 7 में 7 ऐड कर दिए तो 14/3, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, राइट, यही आपका क्या हो गया, आंसर, ओके। तो ऐसे लाइक फ्रैक्शन है तो ऐसे, अब जैसे ऐड किए हैं वैसे आपका सब्ट्रैक्शन रहेगा, तो ऐसे सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा, ऐड में जो हम प्लस कर रहे थे सब्ट्रैक्शन में माइनस कर देंगे, ओके। नेक्स्ट है बेटा आपका एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अब जो हम लोगों को एडिशन करना है किसका, अनलाइक फ्रैक्शंस का, तो पहले हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन को नोट तो कर लें। सपोज दैट ए आपके, देखिए यहाँ पे हमने 3 फ्रैक्शंस लिया है, 3 के 3 के डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन क्या है, ये आपका अनलाइक फ्रैक्शन है। और अनलाइक फ्रैक्शन में भी तीनों में क्या है, मिक्स्ड के फॉर्म में है, तो पहले जो मिक्स्ड के फॉर्म में है उसको हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1 × 4 + 2/4, तो ये हो जाएगा 4 + 2/4, तो ये हो जाएगा 6/4, वो आपका क्या हो जाएगा, 6/4 हो जाएगा। तो अब ये आपका हुआ 2/3 + 1/2 + 4 × 4 + 2 = 6/4 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इतना। अब आपने इन सबको नोट तो कर लिया बेटा, अब देखिए क्या करेंगे कि सबके डिनोमिनेटर्स अनइक्वल हैं, अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। तो ऐसे कंडीशन में बेटा आपको पहले सबके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा, सबके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, चाहे वो 2 फ्रैक्शन हो, 3 फ्रैक्शन, 4 फ्रैक्शन, 5 फ्रैक्शन, चाहे जितने भी फ्रैक्शन का सम सबट्रैक्शन हो, यदि वो अनलाइक है तो सबके डिनोमिनेटर का एलसीएम, तो ये हो जाएगा 3, 2 और 4 इन सबका एलसीएम, तो ये हो जाएगा, ये 3 ही बना रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 से 3 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा, अगेन ये आपका 1 हो जाएगा। तो जो एलसीएम होगा वो एलसीएम आप 2, 3 और 4 इज इक्वल हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 इज इक्वल 12। तो आपका एलसीएम जो आया बेटा वो कितना आ गया, 12 आ गया। और जब हमारा एलसीएम 12 आ जाता है तो क्या करेंगे, अब हम लोग फिर देखिए एक प्रोसेस होगा। जैसे हमने फर्स्ट फ्रैक्शन को लिया, तो जो एलसीएम आया था उसमें हम लोगों ने फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया,
फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से जो एलसीएम था उसमें डिवाइड कर दिया, और जो डिवाइड के बाद आता उसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, राइट, न्यूमरेटर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा सेम प्रोसेस अब इस सेकेंड फ्रैक्शन के साथ होगा, तो जब सेम प्रोसेस सेकेंड फ्रैक्शन के साथ करेंगे तो ये होगा 12 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, और फिर इसके बाद वही सेम प्रोसेस थर्ड के जितने भी फ्रैक्शंस हैं सबके साथ। तो एलसीएम में डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, जो आया उसका न्यूमरेटर मल्टीप्लाई। अब देखिए बेटा क्या आता है, ये हो जाएगा 12 में 3 से डिवाइड किए 4 आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस ये 12 में 2 से डिवाइड किए 6 आ गया, 6 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 12 में 4 से डिवाइड किए 3 आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाई 6 अपान सबके 12 हो जाएगा। अब बेटा इधर थोड़ा सा हम लिख देते हैं, तो अब देखिए 4 टू जा 8, ये आपका 6 वन जा 6, ये आपका 3 6 जा 18 सबके अपान 12। अब ऊपर वाला सब ऐड कर दीजिए, ऊपर वाला सब ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 32, कितना हो गया 32 हो गया, और अपान 12, तो यही आपका क्या हो गया आंसर, राइट। तो यदि आपका अनलाइक फ्रैक्शन है तो आपको ऐसे ऐड करना होगा, राइट, वो 2 फ्रैक्शन हो, 3 फ्रैक्शन हो, 4 फ्रैक्शन हो, चाहे जितना, जैसे हमने यहाँ 3 फ्रैक्शन का ऐड किया था, तो चाहे जितना भी फ्रैक्शन हो ऐड करते समय हमें यही एलसीएम लेकर के इस रूल को आप फॉलो करेंगे, बेसिक रूल है, तो फिर आपका मिस्टेक लंबे समय तक कभी नहीं होगा जल्दी, ओके। तो बेटा अब हम लोग आते हैं आपके एक्सरसाइज पे, और जो आपका एक्सरसाइज है 10E उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कह रहे हैं ऐड, ऐड मींस ऐड करना है, एक है आपका सेक्शन ए और दूसरा है आपका इसी का सेक्शन ई। तो ए में देखिए क्या है, सोलूशन, सोलूशन क्या है, 1/2 + 1/4 है। अब हम देख रहे हैं कि दो के दोनों के डिनोमिनेटर अनइक्वल हैं, अनइक्वल है तो इसका मतलब क्या है, वो अनलाइक फ्रैक्शन है, एंड अनलाइक फ्रैक्शन के लिए, तो बेटा दो दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर अनइक्वल हैं इसका मतलब वो क्या हो गया, अनलाइक हो गया, और अनलाइक हो गया तो हमारा पहला वर्ग क्या होना चाहिए, दोनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, ऑलवेज बेटा एलसीएम डिनोमिनेटर का ही लिया जाएगा, यह न्यूमरेटर का नहीं, जब तक किसी क्वेश्चन में कुछ कहा ना जाए न्यूमरेटर के बारे में तब तक हमें न्यूमरेटर पे नहीं जाना है, एलसीएम डिनोमिनेटर का। तो 2 1 2 2 2 4 अगेन 2 1 a 1 हो गया, और आपका जो एलसीएम हुआ, एलसीएम ऑफ 2 and 4 a इक्वल हो जाएगा 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 4, तो ये हो गया। अब सेम, अब देखिए 4 आपका एलसीएम आ गया, अब वही प्रोसेस अभी जो हमने आप लोगों को एग्जांपल में बताया, इससे पहले हम क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन को, फर्स्ट फ्रैक्शन को पकड़ेंगे इधर से, लेफ्ट, जब भी हम करेंगे लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से हम फर्स्ट फ्रैक्शन को पकड़ते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं अब जो आपका एलसीएम आया है उसमें हम फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने पर जो आया उसका हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, आफ्टर दिस प्लस साइन, इसके बाद फिर से अगेन जो आपका एलसीएम है उसमें हम डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे और न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका हो गया बेटा। देखिए 4 में 2 से डिवाइड के 2 आया, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 4 में 4 से किए 1 आया, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 अपान 4, तो ये हो जाएगा 2 + 1/4, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3/4, यही आपका क्या हो गया आंसर, ओके। अब ऐसे ही बेटा हम पार्ट ई में भी करेंगे, तो पार्ट ई में आपका देखिए दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, एक का 12 है, सेकेंड का 5 है, और दो के दोनों अनइक्वल हैं, इसका मतलब अनलाइक हैं, तो चलिए पहले एलसीएम लेते हैं, कितना आ गया आपके बेटा एलसीएम, कितना आ गया एलसीएम आपका जो आया
वो आपका कितना आ गया, 2 × 2 × 3 × 5, 2 × 2 × 3 × 5, तो कितना हो गया 60। अब देखिए हम क्या करेंगे, आपका LCM कितना आ गया 60। अब सेम प्रोसेस जो अभी इससे पहले कर रहे थे, LCM में हम क्या करेंगे, फर्स्ट के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो आएगा न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। आफ्टर दिस प्लस साइन, इसी LCM में सेकेंड के डिनोमिनेटर से डिवाइड, जो आया न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो ये आपका क्या हो गया, 5 × 11 + 60 में 5 से डिवाइड किए तो 12 आ गया, 12 × 3 सबके अपान 60, तो ये आपका हो गया 55 + 36 / 60, तो ये हुआ 6 × 5 = 11 और 5 × 3 = 8 + 1 = 9, 91/60 क्या गया आपका, 91/60, यही आपका क्या हो गया आंसर, राइट। तो अभी आप लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक है, आपके आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको आप लोग कर ले जाएंगे, बहुत ही इजी है। यदि आप लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो फिर मिस्टेक नहीं होगी। नेक्स्ट आपका बेटा एक्सरसाइज 10 ही से ही क्वेश्चन नंबर टू आपका सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 का पार्ट ए जो है देखिए, तो यहाँ पे दो हैं, एक है 2/3, एक है -2/6। हम देखते हैं कि दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर अनइक्वल हैं, और जब अनइक्वल हैं तो मतलब वो अनलाइक हो गया, और अनलाइक हो गया तो फिर अनलाइक यदि हो गया तो फिर क्या करेंगे, हम दोनों के डिनोमिनेटर का LCM लेंगे। तो ये आपका 3 है, ये 6 है, ये 2 ये 3 आ गया, ये 3 से 1 1, तो आपका जो LCM हुआ वो कितना आ गया, 2 × 3 = 6 आ गया, तो हमारा LCM क्या आया 6। अब हम यहाँ पे LCM लेंगे, इसके बाद में बेटा फिर वही प्रोसेस जो एडिशन में कर रहे थे, सेम प्रोसेस है यहाँ पे, 6 / अब इस फर्स्ट फ्रैक्शन को लिए LCM में, फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड किए, जो आया उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस वहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है तो माइनस कर दिए, अगेन सेम प्रोसेस, LCM डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, तो ये आपका क्या हो गया, 3 × 2 = 6, 2 × 2 − 6 × 1 = 6, 1 × 2 = 6, तो ये हो जाएगा 4 − 2/6, तो ये हो जाएगा 2/6 = 1/3। सॉरी या तो बेटा अभी आप लोगों को कट नहीं करने आ रहा होगा, तो 1/3 भी सही है, बट आपको कट नहीं करने आ रहा होगा, इसलिए हम इतने पर ही आपका आंसर रख देंगे। ओके, कट करने का मतलब है लोवेस्ट फॉर्म, हो सकता हो अगर लोवेस्ट फॉर्म में किसी को आ रहा हो कन्वर्ट करना, तो इसको कन्वर्ट करके 1/3 कर सकता है, राइट। अब नेक्स्ट इसी का पार्ट ई देखिए, तो पार्ट ई में सोल्यूशन आपका हुआ 9/20, आपका हुआ -3/8। हम क्या करेंगे, 20 और 8 का LCM ले लेंगे, तो ये हुआ 10, ये हुआ 4, ये हुआ 2 से 5 ए 2, अगेन ए 2 से 1 ए 5, अगेन ए 5 से 1 1, तो आपका जो LCM आ गया वो आपका कितना हो गया, 2 × 2 × 2 × 5, 2 × 4 = 8, 5 = 40, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया 40 हो गया। अब बेटा यहाँ पे 40, फिर वही प्रोसेस जो हम लोग कर रहे थे उसी में फिर से स्टार्ट, LCM में फर्स्ट फ्रैक्शन इसको लेते हैं, इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो आया उसका न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई, माइनस फिर उसी का वही काम, LCM डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमिनेटर, ये आपका हुआ 2 × 9 - 5 × 3/40, तो ये हुआ 18, 2 × 9 = 18 −5 = 15/40, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3/40, यही आपका क्या हो गया आंसर। ओके, तो ऐसे ही बेटा आपको करना है, बहुत ही इजी नेचर के क्वेश्चन है, तो आज यहीं पे आपका एक्सरसाइज ओवर हो जाता है। आज के लिए बेटा जो आपका HW है वो है एक्सरसाइज 10E का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, दोनों में कई सेक्शन करके दिए गए हैं, तो
तो इस पूरे एक्सरसाइज को आप लोग ओवर कर देंगे। फिर इसके बाद जो एक्सरसाइज रहेगा ई के बाद एफ वाला वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, तो फिर हम लोग इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम पर आते हैं। राइट, ओके, थैंक्स।